किरण बोलिए बोलिए आपकी ना जाय बोलो बोलो ना बहुत सही माँ जी, लेकिन ये थप्पड़ सम्राट के गाल पे पहले लगाई होती आप तो आज ऐसी घटिया बात करने की हिम्मत तक नहीं करता ये जानकर। शर्म नहीं आती तुझे अपनी माँ से इतनी नीच बात करते हुए? ऐसा इतना गिर जाएगा कि हमने कभी सोचा भी नहीं। एक माँ की इज्जत तो तूने हमको कभी दी ही नहीं, लेकिन अपने स्वार्थ के लाने सबके सामने हमें तूने चोर बोला और अब तो हद्दें कर दी है तूने। हमारे चरित्र का सौदा करने चला है तू। बिल्ली भी साथ घर छोड़ के शिकार करती है और तू तू अपनी माँ की इज्जत की नीलामी करने पर उतारू हो गया। घिन आती है हमें तुम्हें अपना बेटा कहते हुए और अफसोस होता है कि एक संतान के रूप में एक सपोले को हमने अपना दूध पिला के पाल पोस के बड़ा किया और वही हमें डसने चलाए। माँ भी दुश्मनों की फौज में शामिल हो गए। मम्मी सम्राट ने गिरने की सभी लिमिट्स पार कर दी। I just don't believe this। अरे उसे एक बार शर्म तक नहीं है अपनी माँ से ऐसी बात करने में। वही तो ईशा, वो तो अच्छा हुआ कि माँ जी ने एक घुमा के थप्पड़ लगाया उसे और मानी नहीं उसकी बात। शान अगर माँ जी ने मान ली होती तो आज एक नया तमाशा शुरू हो जाता घर में। I know, और तानी तो एक नंबर की बेवकूफ है। उसके प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी है कि वो इस बात को भी मान लेती है। हम डरेंगे। I'm so sorry शान, हमें तुम्हारी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। तुमने हमसे पहले कहा। बेवकूफ थे हम, ये सोच रहे थे कि सम्राट को उसकी गलतियों का एहसास होगा, उसे अपने किए का कभी पछतावा नहीं होने वाला है। अभी ईशान सुनो, सम्राट जिस घटियापन पे उतर आया है वो कुछ भी कर सकता है। ईशान इससे पहले कि अब और देर हो जाए, I'm really sorry कि हमने तुम्हारी बात पहले नहीं सुनी। अभी जाकर घर वालों को सबको सब कुछ बता देते, एक एक बात बता देंगे। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ईशान हम ऐसा ही करेंगे क्योंकि नहीं, मेरी बात सुन। जहाँ हमने इतना सहा है थोड़ा और सह ले उर्मी, क्योंकि मुझे विश्वास है तुम पर, तुम्हारे संस्कारों पर, तुम्हारे प्रयासों पर। देखो तुमने आज क्या कर दिखाया। आज तुमने सम्राट की माँ को बदल दिया है, उनका हृदय परिवर्तन कर दिया, और ठीक इसी तरह सम्राट का भी हृदय परिवर्तन होगा। उर्मी उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा और फिर वो हम सबसे माफी मांगेगा। ईशान सम्राट ऐसा नहीं कर सकता है। नहीं प्लीज, मेरी बात मानो, याद करो। अरे उस दिन पार्टी वाले दिन मैं खुद कह रहा था ना तुम्हें कि जाके सबको सम्राट की सच्चाई बता देते हैं, अभी के अभी पूरा खेल खत्म कर देते हैं। क्या कह के रोका था तुमने मुझे? ज्यादा से ज्यादा सम्राट को घर से बाहर निकाल देंगे, उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, चंद दिनों में वो बाहर आ जाएगा, उसके बाद क्या? उर्मी सम्राट अपनी फितरत से बाज नहीं आने वाला, वो फिर किसी उर्मी को, किसी तानी को अपना शिकार बनाएगा, वो फिर किसी लड़की के जज्बातों के साथ खेलेगा, उसकी जिंदगी बर्बाद करेगा, उसके परिवार को तबाह करेगा। उर्मी हम ऐसा नहीं होने दे सकते, इसीलिए सम्राट का सुधरना बहुत जरूरी है, उसके अंदर के जहर को मरना ही होगा। चाहते तो हम भी यही है उर्मी, तो बस फिर थोड़ा सब्र करो, मेरी उर्मी हार नहीं सकती, सम्राट बदलेगा और फिर तुम खुद मुझे बोलोगे कि हम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। बदलेगा। अब देखो सम्राट सिंह राठौर कैसे हम उसी होटल का लेटर बनाते हैं तुम्हारे लिए, जिसमें तुमने हमसे मिलने के लिए ईशान से रूम बुक करवाया था। बेटा ईशान, बुक अ ब्यूटीफुल स्वीट इन अ ब्यूटीफुल होटल।
डियर सम्राट सिंह राठौर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर स्टे इन आवर होटल एंड ड्यूरिंग योर स्टे ऑन 15th of April 2015. You have won a gift voucher of rupees 1,000, which you can redeem in your extra stay. Thank you. Looking forward to welcome you very soon, Mr. Samrat. 15 April 2015. Samrat Singh Rathore, आप नासिक में हवन करवाने गए थे। उस झूठे हवन की आज से आज सच्ची में तुम्हारा हाथ चले। दीदी, सम्राट जीजा जी के लिए कुछ आया है। डियर सम्राट सिंह राठौर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर अ स्टे इन अ होटल ड्यूरिंग योर स्टे ऑन 15th अप्रैल 2015. यू हैव वन अ गिफ्ट वाउचर ऑफ रुपीज 1,000 व्हिच यू कैन रिडीम इन योर नेक्स्ट डे. थैंक यू. लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम यू वेरी सून. तानी, क्या लेटर आया सम्राट के लिए? पता नहीं, कोई GCC होटल एंड क्लब से एक लेटर आया जिसमें सम्राट ने 1,000 रुपीज का वाउचर जीता है. वाओ सम्राट, देखो ना, तुम्हारे लिए लेटर आया, दिखाओ. 15th April. तुम मुंबई के होटल में कब रुके? सम्राट, कार होने के बावजूद तुम्हें होटल में रुकने की क्या जरूरत पड़ी? पहले का होगा ना ये? शादी से पहले का होगा? ओके, तब का था ना ये? शादी से पहले घर कहाँ था मेरा? तो शादी के पहले भी तुम इसी घर का एड्रेस देते थे? सम्राट, इसमें तो रुकने की डेट डेट तो मैंने पहले की है ना, तो तुम अरे ये चला सहमी हो रही हो. अरे डेट पे सम्राट शो. हाँ सम्राट, इसमें तो डेट 15th अप्रैल 2015 की है, मतलब हमारी शादी हो चुकी थी और ये डेट हमारी शादी के बाद की डेट है. व्हाट सम्राट, जहां तक हमें याद है 15th अप्रैल 2015, तानी उस दिन तो सम्राट नासिक पूजा करने गया था ना, वो गृह शांति की पूजा. और वही तो वो दिन था जब हमें पता चला था कि शौर्य को कैंसर नहीं है. सम्राट, तुम 15th को नासिक गए थे पूजा करवाने के लिए, है ना? हाँ, मुझे ना पक्का याद आ गया, तुम 15th को गए थे और 16th को लौटकर वापस आए थे. लेकिन फिर तुम इस होटल में क्या कर रहे थे और मुंबई में क्या कर रहे थे तुम? हाँ सम्राट, तानी ठीक कह रही है, तुम नासिक गए थे ना गृह शांति की पूजा करवाने के लिए, लेकिन इस लेटर के मुताबिक 15 अप्रैल को तुम इसी होटल में थे जो कि यहीं मुंबई में. मतलब ये कि तुम नासिक गए ही नहीं. ये सारा माजरा क्या है सम्राट, गड़बड़ क्या है? तुमने झूठ क्यों बोला हमसे? तुम नासिक नहीं गए थे सम्राट? तुमने मुझसे भी झूठ बोला?
सम्राट मुझे बताओ तुम कहाँ गए थे? सम्राट सच सच बताओ, जवाब दो मुझे कि तुम कहाँ गए थे और तुम मुंबई में क्या कर रहे थे, वो भी होटल में। क्या कर रहे थे तुम सम्राट? बोलो सम्राट, बताओ हमें कौन सी ग्रह शांति की पूजा करवा रहे थे तुम उस होटल में? बताओ सम्राट, चुप क्यों हो तुम? क्यों रुके थे तुम होटल में? ये सच है कि मैं मुंबई में था और इसी होटल में रुका था। पर मैं क्या करता, मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे पास कुछ चारा नहीं था इस होटल में रुकने के सिवाय। ऐसी क्या हालत हो गई थी सम्राट कि तुम्हें होटल में रुकना पड़ा? पूछो मत बेबी डॉल, डोंट आस्क। मैं नासिक गया था। नासिक में मैं, तुम बिलीव नहीं कर सकते मेरे साथ क्या हुआ। अरे वो पंडित था ना साला, पंडित, वो पंडित मुझे धोखा दे गया। बहुत बड़ा कांड किया उसने मेरे साथ, गेम खेल गया मेरे साथ। पूजा की सारी सामग्री, सारा पैसा मेरे से लेके गायब हो गया, फरार हो गया। मैं उसकी राह देखता रहा, मैं फिर आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो वापस नहीं आया। मैं हार मान के वापस आ गया और मैं यही सच तुम्हें बताने जा रहा था कि तुम्हारा फोन आ गया। रिमेंबर तुमने फोन किया था मुझे, तुमने कहा था कि यू नो कितनी यू साउंडिंग सो हैप्पी है, कितनी खुश थी तुम उस दिन यार। तो मेरे दिल ने ये बुरी खबर तुम्हें बताने की इजाजत नहीं दी। ऐसे नहीं हो सकता सम्राट, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा बेबी डॉल यार, बिलीव मी, कसम खाता हूं मैं तुम्हारी। अरे बेबी डॉल, तुम्हारे इस खुशी से भरे चेहरे को याद करके मेरे मन से दुख के बोल निकल नहीं पाए। मैं दिल पे पत्थर रखकर मैं वापस आ गया। फिर यहां आके मुझे लगा कि मैं घर वालों को कैसे बताऊंगा सच। तो आपके जो घर वाले हैं सारे, ये मुझे भरोसा तो करते नहीं, किसी भी हालत में नहीं करते सारे, मतलब मुझे ढोंगी समझते हैं, झूठ झूठ बोलता हूँ मैं हमेशा। और वैसे मुझे घर से निकले 9 घंटे हो गए, मेरे नासिक जाने और वापस आने की बात पे कोई यकीन करने वाला नहीं था, तो इसलिए मैंने वहीं पर डिसाइड किया मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और वहीं रुक जाऊंगा। ये भगवान कितना शातिर है ये आदमी, इसके रंग देखकर तो क्रिकेट का भी रंग उतर जाए। बेटा मेरी बात पे भरोसा करो यार, भरोसा करो अपने सम्राट पे। मैं उस रात एक पल के लिए नहीं सो पाया। It was the worst night ever. और तुमसे झूठ बोलने का मलाल मुझे रात भर कचोटता रहा। मैं मजबूर था बेबी डॉल, हालातों के हाथों मजबूर था मैं। मुझे डर था, मुझे डर लग रहा था कि तुम ही मुझे गलत ना समझ बैठो। बंद करो अपना ड्रामा सम्राट। झूठ और चालाकी की हद होती है। सच तो ये कि उस दिन भी तुमने हम लोगों को बेवकूफ बनाया और आज भी वही कर रहे हो। स्टॉप लाइंग एंड स्टॉप दिस ड्रामा ऑफ योर्स, ओके? देखा तुमने दानी, देखा तुमने, यही होता है इस घर में, यही होता रहेगा। यही रीजन है इसकी, जो मैं तुम्हें सच नहीं बोल पाता उस घर में, बोल ही नहीं पाता हूं सच में, क्या करूं? तुम्हारे अलावा कोई भरोसा नहीं करता मुझ पर इस घर में। मुझे गलती को पता समझते सम्राट सही कह रहा है पापा, आप सब लोग उसे इतनी शक की नजर से क्यों देखते हैं? इसी वजह से ना इसके दिल में डर बैठ गया और कभी सच नहीं बोल पाता। मानना पड़ेगा सम्राट,
तुम्हारे कहानी बनाने के टैलेंट का तो कोई जोड़ ही नहीं है। यू शुड बिकम अ राइटर। आज भी फंसते फंसते बचे हो तुम। कब तक यूं ही झूठ बोलते रहोगे तुम? और कब तक झूठ झूठ बोल बोल के भागते रहोगे? कहावत तो तुमने भी सुनी होगी सम्राट, सौ मन दूध का नाश, एक बूंद खटाई कर देती है। और तुम्हारा एक झूठ, बस एक झूठ काफी है सम्राट सिंह राठौर तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह करने के लिए। समधन जी आप आइए बैठिए। बैठने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। आप दोनों माँ बेटे किस मिट्टी से बने हैं? जरा सी भी शर्म नहीं आती। जी क्या कह रही हैं आप? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ हो रहा है मेरे घर में, आपको समझ में नहीं आ रहा? इस कदर आपका बेटा झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, हम सबको बेवकूफ बना रहा है, मेरी बेटी के भोलेपन का फायदा उठा रहा है, और आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा? आप अच्छी तरह जानती हैं कि अभी सम्राट ने नीचे जो सबको कहानी सुनाई वो झूठ है। आप ये भी अच्छी तरह जानती हैं कि सम्राट होटल क्यों गया था, किस लिए गया था, जानती है ना आप? लेकिन आपको शायद मजा आ रहा है। आपका बेटा मेरी बेटी के जज्बातों के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, ये तमाशा देखने में आपको शायद बहुत मजा आ रहा है। नहीं समधन जी, हम तो खुद बस 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 और झूठ बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। तुम ये जो झूठ के पुलिंदे बांधते जा रहे हो, जिस दिन इसका भांडा फूटेगा उस दिन तुम्हारा क्या हर्ष होगा? क्या क्या नहीं किया तुमने, अपने बेटे की जान को खतरे में डालकर फिर उसकी जान बचाने की कोशिश में तुम हमें हासिल करना चाहते थे। क्या 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 बोल जा रही है? क्या क्या हासिल हासिल? मुझे कोई आपको हासिल नहीं करना था ना, मैं आपके करीब आना चाहता था। क्या कुछ भी बोल जा रही है? मैं सिर्फ आपको तंग करना चाहता था। ओके जी जी जी, काश कि तुम अपने आप को देख पाते कि जब तुम ऐसी घटिया बातें करते हो तो कितने घटिया लगते हो सम्राट सिंह राठौर। और अगर तुमने तानी को ये भी बताया होता ना कि तुमने ये सब कुछ हमें सिर्फ तंग करने के लिए किया है, तब भी वो तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देती और किसी गटर के कचरे में फेंक देती, और तुम्हारी ये जो टांगे हैं ना उसे तोड़ के दो टुकड़ों में कौओं को खिला देती ताकि तुम दोबारा घूम कर इस घर में वापस ना आ सको। आप चाहती क्या हैं? साफ साफ बताइए मुझे क्या चाहती हैं आप? आप जैसा करिए वैसा कर रहा हूँ। आपने मुझे कहा कि डांस करो, मैं माफ कर दूंगी, मैं सारी बातें भूल जाऊंगी, फिर ये होटल वाली बात क्यों निकाल दी आपने, क्यों भागी? सुनिए मेरी बात, मुझसे कहा था कि आप मुझे माफी देंगे, आप वो कर नहीं सकती, आप मुझे माफी दीजिए। हमने कब कहा था कि हम तुम्हें माफ करेंगे? There wasn't any commitment। और माफी उस आदमी को दी जाती है सम्राट सिंह राठौर जो सिर्फ एक गलती करे। जो आदमी बड़ी से बड़ी ज्यादा से ज्यादा गलतियां करता जा रहा हो तो उसे किस बात की माफी दी जा सकती है? महस करो कि हमने तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों के लिए माफ कर दिया होता, लेकिन जो हरकत तुमने हमारे बच्चे के साथ की है उसके लिए हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। उसकी माफी सिर्फ एक होती है, वो है तुम्हारी सजा। तुमने जो हमारे बच्चे की जिंदगी के साथ खेल खेला है सम्राट, उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे।